तो दोस्तों इस वीडियो में आईपीएल की चार बार की चैंपियन द डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको उन तीन प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूं जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने रिटेन तो नहीं किया 2022 आईपीएल के लिए, लेकिन उनको आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में खरीद सकते हैं। सीएसके वह टीम है जो कि अपने प्लेयर्स पे बहुत यकीन करती है, और खासकर सीएसके के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी तो अलग ही लेवल के कैप्टन है। बाकी सब कैप्टन प्लेयर को तलाशते हैं, महेंद्र सिंह धोनी प्लेयर को तराशते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ उन तीन प्लेयर्स के नाम जिनको चेन्नई सुपर किंग्स दोबारा से आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में खरीद सकती है। तो दोस्तों पहले प्लेयर है दीपक चहर। 2018 से ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे दीपक चहर ने काबिले तारीफ प्रदर्शन किया है। दीपक चहर पावर प्ले के एक्सीलेंट बॉलर है। 2018 से अब तक आईपीएल के पावर प्ले ओवर्स में सबसे ज्यादा विकेट भी दीपक चहर ने ही लिए हैं। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है दीपक चहर को चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में, जो कि 13 और 14 फरवरी को होने वाला है, उसमें वापस से खरीदने की डेफिनेटली ट्राई तो जरूर करेंगे। तो ये थे मेरे पहले प्लेयर, अब चलते हैं अपने अगले प्लेयर की ओर। तो अगले खिलाड़ी जिनको मैंने पिक किया है वो है फाफ ड्यूप्लेसिस। फाफ ड्यूप्लेसिस ओपनिंग करते हैं और सीएसके के लिए कई सालों से ओपनिंग करते आ रहे हैं। सीएसके ने इस साल उनको रिटेन तो नहीं किया, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है सीएसके फाफ ड्यूप्लेसिस को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में जरूर खरीदेगी, और ये आपको फिर से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करते हुए 2022 आईपीएल में भी नजर आएंगे। तो ये थे मेरे दूसरे प्लेयर, अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी खिलाड़ी की ओर। तो तीसरे खिलाड़ी में मैं ये सोच रहा था कि मैं किसे पिक करूं, सुरेश रैना को या फिर शार्दुल ठाकुर को। मैंने बहुत सोचा और मेरा दिमाग रैना की तरफ जा रहा है। यार रैना कितने सालों से सीएसके के लिए खेलते आ रहे हैं, भले ही आईपीएल 2021 में उनका फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब था, लेकिन मुझे लगता है सीएसके एक बार फिर रैना को 2022 आईपीएल के मेगा ऑक्शन में खरीदेगी। मे बी कि वो शार्दुल ठाकुर को भी खरीद ले, लेकिन मुझे ये पर्सनली ये फीलिंग आ रहा है कि रैना को वो खरीदने का ट्राई तो डेफिनेटली सीएसके करेगी ही करेगी, क्योंकि रैना और धोनी एक अच्छे दोस्त भी हैं। तो दोस्तों यही थे मेरे तीन प्लेयर जो कि मेरे को लगता है कि आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स इनको दोबारा से अपने टीम में खरीद सकती है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिल से रिक्वेस्ट है प्लीज 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 अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।